हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भी मेरे भाई एग्जाम दिए हैं, काफ़ी उन लोगों का डाउट होगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। हालांकि आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को हम बता सकते हैं, ओरिजिनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। एक अनुमान लगाकर जो भी मेरे भाई एग्जाम दिए होंगे उन सभी को तो पता ही होगा, ठीक है। जो एग्जाम हॉल में ऑलरेडी बैठे होंगे उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो आज की में आप सभी को हम बताएंगे फ्रेंड्स कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है, और जो भी मेरे भाई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे दिए हैं वो अपना तैयारी में लग जाइए टाइपिंग का, क्योंकि आप सभी को फ्रेंड्स जो है ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि ज़्यादा समय मिले या ना मिले, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग होता है काफ़ी टफ होता है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे असम राइफल्स हो गया, तो आप सभी को पता ही होगा असम राइफल्स का टाइपिंग, बीएसएफ का, आईटीबीपी का, ठीक है, सबका टाइपिंग जो है फ्रेंड्स नॉर्मल होता है। बाकी सीआरपीएफ यदि टाइपिंग को फ्रेंड्स कंपेयर किया जाए तो काफी टफ हो जाता है, क्योंकि आप सभी को हम बताते हैं फ्रेंड्स कि बैक स्पेस यहां पे अलाउ नहीं होता है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी को फ्रेंड्स हम टाइपिंग के बारे में खुद आप सभी को अपना प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि मेरा टाइपिंग स्पीड कितना है और आप सभी को अपना स्पीड कैसे ग्रो करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप सभी को हम बेसिकली बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, एंड आप लोग टाइपिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द आप सभी को टाइपिंग के भी बारे में बताने वाले हैं। जितने भी मेरे भाई जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म अप्लाई किए हैं और टाइपिंग कर रहे हैं उन सभी को हम वीडियो फ्रेंड्स एक अलग से लाएंगे टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो है कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा सेंटर जो था यहाँ पे ब्लॉक डीएन प्लॉट नंबर 54-55 सेक्टर विधान नगर ईस्ट साल्ट लेक कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये एग्जाम डेट था 23/2023 को 9 AM से 10 AM के बीच, ठीक है। तो आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि जितने भी मेरे भाई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हम बता दें कि आपका यदि 50+ है, ठीक है, 50+ यदि सही है तो फाइनली आप लोग अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की फ्रेंड्स संभावना क्यों है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था, ओके। और जो भी मेरे भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है करके आए होंगे उनका फाइनली यहाँ पे नंबर कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को हम बता दें कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे टाइपिंग टफ है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे टाइपिंग टफ है, और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हो सकता था कि यहाँ 60+ इसका कट ऑफ जा सके, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था और टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम यहाँ पे बच रहा था। फ्रेंड्स आप सभी को तो पता होगा कि मैथ में ज़्यादा समय लगा हुआ, मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक अनुमानता लगा सकते हैं कि 50+ जितने भी कैंडिडेट का सही है निगेटिव काट कर, ये नहीं कि निगेटिव ही इसी में आप लोग मारे होंगे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग को काट करके यदि आपका 50 आ रहा है, ठीक है, तो फाइनली आप लोग यहाँ पे समझ जाइए मेरे दोस्त कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट लोगों का जवाब होगा कि 50+ पे क्या हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो नहीं, आप लोगों का 50+ पे यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी मेरे भाई 65+ करके आए होंगे 65+ उनका यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग तक वो लोग पहुँच सकते हैं, बट टाइपिंग के लिए आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि टाइपिंग के लिए जितने भी कैंडिडेट 50+ किए होंगे उनका फाइनली यहाँ पर कॉल टाइपिंग के लिए आएगा, क्योंकि आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर बैक स्पेस सीआरपीएफ में अलाउ नहीं होता है। एक बैच में यदि 50 भी कैंडिडेट बैठते हैं टाइपिंग देने तो यहाँ पे 1 से 2 ही कैंडिडेट यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी इसका टाइपिंग टफ हो जाता है, ठीक है। आप यदि घर पे 50+ या 55 भी आप टाइपिंग करते होंगे ना तो वहाँ पे बहुत ही कम चांस है निकलने का, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को बैक स्पेस अलाउ है ही नहीं और आप सभी को 5% ही गलत माफ़ किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि टाइपिंग कितना टफ है, एग्जाम से भी ज़्यादा टाइपिंग यहाँ पे टफ है। तो आप लोग टाइपिंग पर ज़्यादा करके ध्यान दीजिए, जो भी मेरे भाई यहाँ पे 50+ वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट को वो लोग जो है फ्रेंड्स कॉल देंगे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ही कम बच्चे वहाँ पर पास होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 60+ तो ज़रूरी है, क्योंकि 50+ यानी मान लीजिए कि 55 पे यदि आपका टाइपिंग के लिए बुलाता है
तो आप सभी को 60+, 60+ तो होना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप सभी को फ्रेंड्स जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बस आप लोग ये अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि जिनका भी 50+ है वो लोग फाइनली टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा निगेटिव मार्किंग की वजह से, और टाइपिंग भी काफ़ी टफ है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है उसका अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। एंड आप सभी को बहुत ही जल्द हम टाइपिंग के बारे में बताने वाले हैं कि अपना टाइपिंग स्पीड कैसे ग्रो कर सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।